खबर रायपुर से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। जल्द ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो किया उसे जनता भूली नहीं है, निकाय चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी। साथ ही कहा कि नगर पालिकाओं पंचायतों में सीईओ चेक पर हस्ताक्षर करेंगे, निकायों में बेहतर ढंग से काम हो इसलिए निर्णय लिया गया है। वही भूपेश बघेल के 16 अगस्त को पाटन एसडीएम दफ्तर में मवेशी बांधने पर बोले कि सरकार आवारा मवेशियों की समस्या का निराकरण कर रही है। भूपेश बघेल इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी सरकार में तो उन्होंने इस समस्या की याद नहीं आई। तो ये इस तरह के दावे पे कितना यथार्थ है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। कांग्रेस ने 5 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, छल किया है, ठग किया है, आने वाले समय में कभी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के उस 5 साल के कुशासन को कभी भूलेगी नहीं।